24 घंटों में आए कोरोना के 8,774 केस, कल से आज तक में 5.5% की गिरावट। आज होने जा रही यूपी टेट का पेपर हुआ लीक, रद्द की गई परीक्षा। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में देरी पर रोजाना लगेगा 10 लाख रुपए का जुर्माना। शीतकालीन सत्र से पहले आज होगी मीटिंग, सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। दलित वोट बैंक रिझाने में जुटी सपा, कहा काशीराम के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं अखिलेश। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो तीर्थ नगरी ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन और धर्म नगरी हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन ने रायवाला छावनी और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बीच फ्लीट रिहर्सल की। रामनाथ कोविंद परमार्थ निकेतन आने वाले दूसरे राष्ट्रपति होंगे। वर्ष 1953 और 54 में प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के अभिनंदन का सौभाग्य मिला था। कोविंद के दौरे को लेकर शनिवार को रिहर्सल के दौरान रायवाला बाजार और विजय द्वार के आसपास के एरिया को जीरो जोन में तब्दील कर दिया गया है। वहीं फ्लाईओवर से उतरने ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय की जाने वाली सर्विस रोड को दुरुस्त किया गया है। ये मार्ग और मोड़ काफी सकरा है, लिहाजा फ्लीट निकलने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। बता दें कि राष्ट्रपति रविवार को ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन और हरिद्वार के पतंजलि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोमवार को वो हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय जाएंगे। राष्ट्रपति के संभावित कार्यक्रम को लेकर देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार जनपद का प्रशासन और पुलिस महकमा मुस्तैद है। साथ ही राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर तीनों जनपदों के बीच बेहतर समन्वय के साथ सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए जाने पर विचार किया गया है। वहीं रायवाला छावनी में भारतीय सेना की तरफ से भी राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां की गई हैं। उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर चुकी भाजपा अपनी रणनीति में कोई कोर कसर छोड़ने में पक्ष में नहीं है। भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व भी निरंतर चुनाव अभियान की समीक्षा कर रहा है। इस क्रम में शनिवार देर रात दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में हुई बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देर रात इस बैठक में शामिल हुए। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने चुनाव की रणनीति तैयारी समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मुख्यमंत्री से फीडबैक लिया। इसके अलावा 4 दिसंबर को देहरादून में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली के संबंध में विमर्श भी किया गया। मुख्यमंत्री धामी शनिवार शाम को दिल्ली पहुंचे, फिर उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद हुई बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया। माना जा रहा है कि देर रात तक चली बैठक में चुनावी रणनीति के अलावा देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड, प्रधानमंत्री की रैली, चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रीय नेताओं के प्रस्तावित दौरे समेत कई विषयों पर चर्चा की गई। तो आगामी चुनाव को लेकर मंथन किया गया। सीएम धामी दिल्ली पहुंचे और नड्डा से मुलाकात की, बीएल संतोष से मुलाकात की और चुनाव को लेकर मंथन किया गया। जिस तरह से आगामी चुनाव के दौरान जो दौरे में पीएम मोदी का दौरा भी रहेगा उसको लेकर भी चर्चा की गई। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रामपाल सैनी जुड़ चुके हैं। रामपाल, जिस तरह से ये पूरा बैठकों का दौर चल रहा है और मंथन किया गया, आने वाले चुनाव पे क्या कहेंगे? ये माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पंचदेली मौजूद रहेंगे जी। ये
चुनाव को लेकर जवाब संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता जुड़े थे दिल्ली उत्तराखंड से। उत्तराखंड की राजधानी में स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पर्यटकों और स्थानीय वर्करों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी से ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए लखनऊ गए भारतीय वन सेवा के 48 अधिकारियों में से 11 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनकी हालत स्थिर बनी हुई है। मिड करियर ट्रेनिंग के लिए उत्तर प्रदेश गए थे ये अधिकारी और देहरादून लौटे तब इनमें से 8 वापसी के वक्त दिल्ली में पॉजिटिव पाए गए थे और अन्य 3 देहरादून लौटने पर संक्रमित मिले थे। हमारा पूरा ध्यान है टेस्टिंग को लेकर भी और गाइडलाइन को लेकर भी। हम पूरी तरह से सजग हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रकार से जो है उसको रोका जाएगा और जो भी जरूरी एहतियातन जो जरूरी इंतजाम है वो इंतजाम हम सब। हल्द्वानी में आयोजित शहीद सम्मान यात्रा को लेकर जहां शहीद सैनिकों के परिजनों को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सम्मानित किया, तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा के सैनिक सम्मान समारोह को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने इसे भाजपा का विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक एजेंडा बताते हुए कहा कि शहीदों के परिजनों का सम्मान बीजेपी के इवेंट मैनेजमेंट के तहत किया जा रहा है। जिन तो लोग उसके घर में जाते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, सूरज चांद रहेगा तेरा नाम लेकर नारे लगाते हैं और बाद में भूल जाते हैं। हमारी सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार को एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी। और इस जियो होने के बाद अभी तक हम 19 लोगों को सरकारी नौकरी में दे चुके हैं और अभी जब क्योंकि पूर्व कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया है तो उनके लिए भी हम कुछ शिथिलीकरण कर रहे हैं कि उनके परिजनों को भी हम जो है नौकरी में। एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम है जिसमें अपने शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को सम्मानित कर रहे हैं। पहले तो पूरा देश और उसमें उत्तराखंड विशेष रूप से सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको एक और धाम की संज्ञा दी है कि 4 धामों की जगह यहाँ 5 धाम है, एक सैनिक धाम भी है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ इतने अधिक मात्रा में देश सेवा में हैं लोग कि मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से कहीं इतने नहीं होंगे। आज सरकार ने धामी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया है, बहुत अच्छी बात है। जो हमारे सैनिक हैं उनके परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है। आज हल्द्वानी में भी ये कार्यक्रम हो रहा है, 7 तारीख को इसका समापन होगा। इसका प्रारंभ जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने किया था। सब कुछ मिला है मेरे को, एक ही पति पति नहीं। और क्या चाहती हैं आप सरकार से? क्या चाहूँ, कुछ नहीं, लड़की गोद ले रखी है मैंने। ये क्या शहीद हुए थे, कब हुए थे, कौन सा हुआ? 1965 में, ये 2 अक्टूबर, दो अब मैं महीना ही भूल गई, बहुत पहले की बात हो गई। तो अब मतलब आपका सम्मान कह रहा तो कितना आपका गर्व है? गर्व है। उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम और इसके तहत गठित देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के संबंध में प्रदेश सरकार शीघ्र ही निर्णय लेगी। बोर्ड के सिलसिले में गठित उच्च स्तरीय समिति की अंतिम रिपोर्ट मिलने पर इसके अध्ययन के लिए 3 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित कर दी गई है। उपसमिति में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और स्वामी यतीश्वरानंद को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार मंत्रिमंडलीय उपसमिति 2 दिन में रिपोर्ट का अध्ययन कर अपनी राय देगी, फिर इस पर निर्णय लिया जाएगा। देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम और बोर्ड का चार धाम के तीर्थ पुरोहित निरंतर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये अधिनियम और बोर्ड तीर्थ पुरोहितों के हकूकधारियों के हितों पर कुठारघात है और वो अधिनियम को वापस लेने और बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व में इस संबंध में राज्यसभा के पूर्व सदस्य
मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की। समिति ने कुछ समय पहले अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इस बीच 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ आगमन पर तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा था, जिसमें इस अधिनियम को निरस्त कर बोर्ड को भंग करने की मांग की गई। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में शहीद सम्मान यात्रा को लेकर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने सैन्य धाम बनाए जाने से पहले शहीद सैनिक परिवारों के पारिवारिक सदस्यों को ताम्रपत्र से सम्मानित किया। तो वहीं सम्मान समारोह में स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए। हल्द्वानी में आयोजित शहीद सम्मान यात्रा को लेकर जहां शहीद सैनिकों के परिजनों को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सम्मानित किया, तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा के सैनिक सम्मान समारोह को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने इसे भाजपा का विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक एजेंडा बताया। उनका कहना है कि शहीदों के परिजनों का सम्मान बीजेपी के इवेंट मैनेजमेंट के तहत किया जा रहा कार्यक्रम है। भाजपा का इवेंट मैनेजमेंट के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है और जहाँ जहाँ ये गए सैनिकों के परिवार में, इनको उन परिवारों का जो है विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो वादे सैनिक परिवारों से किए गए थे वो सरकार ने पूरे नहीं किए। जगह जगह इनका विरोध हुआ, लोगों ने शिकायतें दर्ज करी। तो सच्चे मायने में यदि ये सरकार हितैषी है तो जो सैनिक परिवार हैं उनके परिवारों को सुविधा मिलनी चाहिए और जो जो वादे किए वो पूरे होने चाहिए। ये सिर्फ चुनावी आपका एक इवेंट मैनेजमेंट के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है, इस चीज़ को सैनिक भी जानते हैं और सैनिक के परिवार भी जानते हैं। ये सच्ची हितैषी है सरकार। तो नैनीताल की बेटी नानिक रोतेला ने भी नौसेना में सब लेफ्टिनेंट बनकर जिले का नाम रोशन किया है। केरल के नौसेना अकेडमी एजिमाला में पासिंग आउट परेड का हिस्सा बनने के बाद वो सब लेफ्टिनेंट बन गई हैं। इस दौरान उनके माता पिता और भाई भी वहां मौजूद रहे। बचपन से ही मेधावी नैनिका के इस पद पर पहुंचने और प्रदेश और नैनीताल शहर का मान बढ़ाने का सपना रहा है। उत्तराखंड में पिछले 2 साल से कोरोना संकट के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ पर्यटन उद्योग अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है। चारधाम यात्रा भले ही बेहद सीमित समय के लिए चली, लेकिन इस दौरान तीर्थयात्रा का उत्साह उम्मीद जगाने वाला रहा। इसके साथ ही सरकार अब शीतकालीन पर्यटन की तैयारियों में जुट गई है, तो पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। फिर चाहे वो चारधाम यात्रा और पर्यटन से जुड़े व्यक्तियों को राहत देने की बात हो अथवा होम स्टे जैसी योजना को आकर्षक बनाने की, इसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में पर्यटन उद्योग को न सिर्फ तेजी से पंख लगेंगे बल्कि बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उत्तराखंड में पर्यटन की आर्थिकी में महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में प्रतिवर्ष सामान्य परिस्थितियों में 3.5 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री पर्यटक पहुंचते हैं। इस सबको देखते हुए सरकार ने पर्यटन को उद्योगों का दर्जा देने के साथ ही पर्यटन विकास और इससे रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से कई रियायतें भी दी। इस बीच पिछले 2 वर्ष से कोरोना संकट के कारण पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालांकि अब मौजूदा सरकार ने पर्यटन को पटरी पर लाने के मद्देनजर कदम उठाए हैं। चारधाम यात्रा और पर्यटन से जुड़े व्यक्तियों के लिए 200 करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज की व्यवस्था की गई है। इससे कराहते पर्यटन उद्योग को एक प्रकार से संजीवनी मिली। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ठंड में इजाफा होने लगा है। दिन में चल रहे हवा के झोंके ठिठुरन बढ़ा रहे हैं और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह शाम मैदानों में हल्का कोहरा और पहाड़ों में पाला मुश्किलों से
देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले कुछ दिनों में तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है। उत्तराखंड में बीते एक महीने से मौसम शुष्क बना हुआ है, हालांकि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते एक सप्ताह में दून का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच चुका है, हालांकि ज्यादातर इलाकों में तापमान सामान्य के आसपास भी बना हुआ है। शनिवार को दिन में हल्की हवा चलने से ठिठुरन बढ़ गई, साथ ही पिछले दिनों की तुलना में तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। मौसम विभाग केंद्र के निर्देशन विक्रम सिंह के मुताबिक ठंड से इजाफा हो रहा है और तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। अगले कुछ दिनों में तापमान में थोड़ी और गिरावट आने की संभावना है। साथ ही बता दें कि रविवार से मैदानी क्षेत्र में कोहरे का असर बढ़ सकता है। देहरादून के कुछ हिस्सों और हरिद्वार ऊधम सिंह नगर में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। तो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। उत्तराखंड में लगातार पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ती जा रही है, दिन में चलने वाली हवा भी ठिठुरन बढ़ा रही है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।